हाँ तो मैं मैंने सोचा था कि अगर आप प्रश्न पूछेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे पढ़ाई के बारे में, हिंदी वगैरह या देश के बारे में, तो वो शायद ज़्यादा रोचक होगा सबके लिए. तो इसीलिए पता नहीं कहाँ से शुरू करें. शुरू तो शुरू से करना होगा शायद. आपने मुझे मेरी बहुत प्रशंसा करके काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू में मुझे हिंदी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हिंदी से ताल्लुक़ में होगी या कुछ भी लेना देना होगा. असल में मैं भाषाएं पढ़ना चाहती थी, यह साफ था कि मैं भाषाएं पढ़ूं, और क्योंकि माध्यमिक स्कूल में मैं लैटिन भाषा और रूसी भाषा पढ़ती थी, तो इसीलिए जाहिर सी बात थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाके लैटिन और रूसी पढ़ूं. लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर मुझे पता चला कि वहाँ और बहुत कुछ पढ़ाया जाता है. तो इनमें से एक इंडियन स्टडीज़ भी था. तो तब मैंने सोचा कि अफ्रीकन स्टडीज़ से लेके इंडियन स्टडीज़ और स्कैंडिनेवियन और पता नहीं क्या क्या. तो मेरी पहले कुछ रुचि थी भारत में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इंडियन स्टडीज़ और पढ़ूँगी. और फिर पता चला कि जो हमारे प्रोफेसर है लैटिन भाषा में, और सबसे भयानक, और सब उनसे ऐसे डरते हैं, वे ही संस्कृत पढ़ाते हैं. तो फिर भी मैं गई थी इनकी पहली कक्षा में, और उस कक्षा में एक शब्द तक मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं. वहाँ संस्कृत ध्वनियों के बारे में बात हो रही थी, बहुत विशेष शब्द, कॉक्यूमिनल एंड डेंटल एंड दिस एंड दैट. उस समय मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, और ज़िद्दी होने का यह नतीजा था कि मैंने सोचा कि मैं दिखाऊंगी कि मैं यह सब समझ सकती हूँ. और धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि साल के अंत तक सभी छात्र भाग गए थे और एकमात्र मैं रह गई थी संस्कृत पढ़ने के लिए. और फिर इस तरह पढ़ाई शुरू हुई, और मैं संस्कृत पढ़ती थी बहुत प्यार से, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके साथ लैटिन भाषा भी पढ़ती थी और रूसी भी. लेकिन दो साल के बाद मैंने सोचा था कि यह ठीक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है कि मैं प्राचीन भाषाएं पढ़ती हूँ, रूसी भी पढ़ती. तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बीच में तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जैसे हमारे विभाग का नाम भी है इंडो यूरोपियन स्टडीज़, तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान की ओर मैं जाना चाहती थी. तो सोचा कि प्राचीन यूनानी पढ़नी ज़रूरी होगी, तो इसीलिए मैंने रूसी से विदा ली और फिर प्राचीन यूनानी पढ़ने लगी. मेरे माँ बाप बेहोश हो गए थे यह सोचकर कि यह भूखे मरेगी, अब नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा. लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे एक प्रकाशन घर में नौकरी मिली थी, प्राचीन यूनानी और लैटिन में, और बीच में इन्हीं दोनों भाषाएं पढ़ाने भी लगी थी यूनिवर्सिटी में. 5 साल गुजरे और मेरा भारत से कोई संबंध नहीं रहा. तब मेरे प्रोफेसर ने, यही भयानक वाले ने, कहा था कि यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, और हमें हिंदी भी पढ़ानी है. हमारे विभाग में पहले एक प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनको थोड़ी सी हिंदी आती थी, तो उन्होंने थोड़ी सी हिंदी पढ़ाई थी. लेकिन असल में मैं भी पढ़ती थी, लेकिन असल में हमारी जानकारी हिंदी के बारे में बहुत ही सीमित थी. तो मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं कैसे पढ़ाऊँ. तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, संस्कृत वगैरह पढ़ने के बाद हिंदी भी पढ़ लो. तो मैंने सोचा कि चलो, अगर ये रास्ता है तो इसी पर जाना चाहिए, अगर मैं इंडिया से संबंध रखना चाहती हूँ. तो फिर मैं अपने आप, और आप समझ लीजिए कि उस वक्त ये पहले वाले प्रोफेसर नहीं रहे थे, तो उस वक्त हंगरी में हिंदी में बोलने वाला कोई नहीं,
मेरे पास दो तीन किताबें थी और मैं उन दो तीन किताब से एक एक पाठ पढ़ने लगी थी और फिर पढ़ाने भी लगी थी. मेरी जानकारी बच्चों से शायद दो तीन हफ्ते आगे वाली जानकारी थी. तो इस तरह शायद एक साल चला गया. हिंदी हम ऐसे पढ़ते थे जैसे संस्कृत, हर एक शब्द देखकर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ब्ला. और उसके बाद यहाँ आने का मौका मिला था, पहली बार 83 में और उसके बाद 85 में. 85 में मैं दिल्ली में 10 महीने रही थी केंद्रीय हिंदी संस्था में, और असल में मेरी यही पढ़ाई हुई थी हिंदी में. इसके अलावा जो भी सीख पाई थी वो इस तरह कि मैं लोगों से हमेशा बातचीत करना चाहती हूँ, मैं बहुत बातूनी हूँ, और धीरे धीरे मैं हिंदी सीख पाई थी. लेकिन यह कहना शायद उचित है कि आप मत सोचिए कि हिंदी में मेरी पता नहीं क्या क्या पढ़ाई हुई थी. तो इस तरह हमारे विभाग के बारे में भी मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ और कह सकती हूँ कि यह एक पुराना विभाग है. तो मैंने सुना था कि आपकी यूनिवर्सिटी एक नई यूनिवर्सिटी है. तो हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना वो पावर पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन में है, लेकिन कहीं 1600 कुछ में हुआ था. तो इसका मतलब ये 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. और इसमें हमारा हमारे विभाग की स्थापना 1873 में हुई थी. तो विभाग खुद भी काफ़ी पुराना है और शुरू से लेके यह भारोपी तुलनात्मक भाषा विज्ञान का विभाग रहा था. तो इसीलिए इसमें शुरू से लेकर संस्कृत भी शामिल थी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी. और ऐसे प्रोफेसर थे जिनके मुख्य क्षेत्र तुलनात्मक भाषा विज्ञान में संस्कृत रहा था. इस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक के समय संस्कृत ही संस्कृत रही थी. और हिंदी जो अब हमारे लिए रोचक है, हिंदी सिर्फ 56 से शुरू हुई थी. और उसी वक्त भी यह विजिटिंग प्रोफेसर जिसके बारे में मैंने अभी जिसका जिक्र किया था, उन्होंने कुछ सालों तक फिर हिंदी पढ़ाती थी. वैसे जो इंडोलॉजी में शिक्षा शुरू हुई थी वो तकरीबन 50 साल पहले. और इंडोलॉजी का मतलब ख़ास तौर से संस्कृत पढ़नी थी और थोड़ी सी हिंदी. अब यह तब बदल गया है जब मैंने थोड़ी बहुत हिंदी सीखी और वहाँ से लेकर अब हिंदी की पढ़ाई नियमित रूप से चलती है. आजकल जो पर हिंदी या संस्कृत भी पढ़ने आते हैं वे शून्य से शुरू करते हैं. तो आप समझ लीजिए कि बात बहुत अलग है, क्योंकि हमारे छात्र जैसे मैं भी थी, जब यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो न संस्कृत न हिंदी हमें मालूम नहीं है. तो क ख घ से शुरू करना है और 5 साल के अंदर, पहले हमारे कोर्स हमेशा 5 साल के होते थे एमए तक, तो 5 साल में बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता गुजरना है ताकि हम कहीं तक पहुंच पाएँ और कह सकें कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है. और असल में 5 साल में हम विशेष जोर भाषा सीखने और सिखाने पर डालते हैं, इसलिए कि एक बार भाषा अच्छी तरह सीख ली उसके बाद किसी भी विषय में आगे बढ़ने का मौका होगा. क्योंकि कुछ लोग फिर संस्कृत में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और क्षेत्र में, कुछ लोग कला के इतिहास और भारतीय कला के इतिहास के बारे में काम करते हैं. जैसे आजकल हंगेरी में जो म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स है उसके जो डायरेक्टर है वो एक इंडोलॉजिस्ट है, और इंडोलॉजी से होते हुए वो संग्रहालय के डायरेक्टर बन गई. तो इसी तरह हाँ शायद ये भी आप पूछना चाहेंगे कि हंगेरी में लोग क्यों इंडोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई उज्जवल भविष्य पहले नहीं दिखाई देता है, लगता है कि नौकरी भी नहीं मिलेगी, हम भूखे मरेंगे. लेकिन जो सबसे अच्छे छात्र है धीरे धीरे उनके लिए
हमेशा कोई रास्ता बनता है और हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम छात्र स्नातक होते हैं लेकिन जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनके लिए सचमुच कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए जैसे अध्यापक के रूप में एक बहुत गर्व की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि मेरा एक शिष्य अभी हिंदी पढ़ाते हैं ऑक्सफोर्ड में, जबकि इंग्लैंड में कितने सारे इंडियन लोग हैं और ऑक्सफोर्ड में आज एक हंगेरियन आदमी हिंदी भाषा पढ़ाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर 20 साल पहले जब मैं पढ़ने लगी थी तो दो किताबें नहीं थी और अभी एक हंगेरियन ऑक्सफोर्ड में हिंदी पढ़ाता है तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ कुछ तो हुआ है इस क्षेत्र में। और बाकी भी हमारे छात्र ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा संबंध रखते हैं, वहाँ संस्कृत के पीएचडी करते हैं। एक अभी बात हो रही थी कि मेरी एक छात्रा है जो शिकागो में अब उर्दू में पीएचडी करती है। अब उर्दू कैसे आई, इस तरह के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कुछ साल पहले असगर वजाहत हमारे यहाँ पढ़ाते थे और उनके आने के साथ साथ उर्दू भाषा की पहली कक्षाएं भी आ गई थी। तो यह लड़की उस वक्त छात्रा थी और उर्दू पढ़ने लगी थी और असगर जी के जाने के बाद फिर वो फारसी विभाग में फारसी पढ़ने लगी और यह सब कुछ मिलाकर जामिया में आकर वहाँ से एमए और अब वहाँ से फिर फारसी पढ़ाई बुदापेस्ट में पूरा करने के बाद अब शिकागो में है शायद 3 साल से और वहाँ सीएम नईम और दूसरे लोगों के साथ अभी उर्दू में अपनी पीएचडी करती है। अच्छा तो इतना अभी मुझे याद आया, आप मेरे ख्याल से आप पूछिए तब और बताऊंगी। अच्छा तो अब थोड़ा सा वापस चले तो यहाँ एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया से हंगेरी का जो संबंध है वो कितना पुराना है। अगर आप ये देखेंगे ये एक बहुत पुराना कोडेक्स, हस्तलिखित कोडेक्स मनुस्क्रिप्ट का एक पन्ना है और इसमें बरलाम और जोसेफ की कहानी जो असल में बुद्ध के एक जातक नहीं बुद्ध जीवन कथा से संबंध रखता है तो ये उस वक्त हंगेरी तक पहुंचा है। तो ये पहले, अब आगे भी जा सकते हैं, तो ये देखिए कि पहले और प्रारंभिक अनुवाद ये ज़्यादातर दूसरे भाषाओं के द्वारा जैसे तुर्की या जर्मन भाषा द्वारा हुई थी लेकिन संबंध जो है वो आश्चर्यजनक पुराना है हमारे यहाँ। और यानोश अरण यह हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, आप पता नहीं इनके आप लोगों के लिए शायद सबसे सबसे प्रसिद्ध कवि जो है तो आप उनके बराबर लीजिए। और इन्होंने शकुंतला का एक हिस्से का अनुवाद किया था, हालांकि वो भी जर्मन या शायद अंग्रेजी से के माध्यम से। अब फियोक कारोय का नाम यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि संस्कृत के जो पहले अनुवाद हुए थे तो वो इस वक्त, और शकुंतला तो शायद यूरोप में सबसे लोकप्रिय नाटक बन गया था तो इसीलिए कालिदास की कृति आप बहुत यूरोपियन भाषा में पा सकते हैं और बहुत पुराना हंगेरियन अनुवाद भी है, संस्कृत से किया हुआ अनुवाद। अच्छा ये नाम आमतौर से भारत में विद्वान लोग सब जानते हैं, अलेक्जेंडर चोमा दे कोरोस, हंगेरियन में कोरोसी चोमा सांदोर, यह हंगेरियन भारतीय संबंधों में सबसे बड़ा नाम है। आप किसी से भी बात करते हैं इनका नाम आता है। और दूसरा सर ऑरेलस्टाइन, ऑरेलस्टाइन का अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इनका एक विशेष कलेक्शन आजकल भी दिखाई देता है। तो
इन दोनों एक कुरुशिचोमा शांदोर पहला यूरोपियन था जो तिब्बत जाकर तिब्बती भाषा सीख ही और फिर तिब्बती व्याकरण और तिब्बती अंग्रेजी शब्दकोश बनाया था. स्टेनऑरेल ने मध्य एशिया में कुछ खोज यात्रा किए और वहाँ के सामग्री जो उन्होंने खोज निकाली वो आज तक भी पूरी तरह विशेषण का विषय नहीं हो पाया था क्योंकि इतनी बड़ी सामग्री है. अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी आप थोड़ा वापस चलें तो ये पेटर पाजमान, अब यहाँ हाँ वो नंबर लिखा है मुझे मैं भूल रही थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1635 में हुई थी और स्थापक पेटर पाजमान रहे थे. अब फिर यहाँ से कुछ चित्र उसके बारे में है कि विभाग के पहले प्रोफेसर कौन कौन थे. सबसे पहले मायर ऑरेल जो ख़ास तौर से कानून भारत में कानून के विषय में काम करते थे और यह संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे. उसके बाद योजेफ स्मिथ का नाम बताना चाहिए और आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में विशाल क्षेत्र में काम किया था. यह तकरीबन 20 तक विभाग में थे. अब आधुनिक और मेरे प्रोफेसर भी रहे थे यानुष हरमत्ता. असल में वे ईरानियन स्टडीज़ में एक बहुत बड़े विद्वान बने थे, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं. लेकिन इन्होंने भारतीय अध्ययन भी किया था, ऋग्वेद से कुछ अनुवाद किए थे, लेकिन ख़ासतौर से प्राकृत भाषाओं के विशेषज्ञ थे. और अब ये आप देखिए मेरे भयानक प्रोफेसर चबत तशी, जिनके कारण मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि अगर वे न होते मैं शायद और मैं ज़िद्दी काफ़ी ज़िद्दी न होती तो हमारे बात नहीं बनती. लेकिन यह ख़ासतौर से लैटिन और प्राचीन यूनानी सिंटैक्स में रुचि लेते थे और इन्होंने भाषा के बारे में, अब मैं कोई भाषा का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, दुनिया में किसी भी भाषा के बारे में अगर हम एक भाषा वैज्ञानिक विधि से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो वही विधि इन्होंने मुझे सिखाई थी. और मैं समझती हूँ कि आजकल अगर आप मुझसे कहेंगे कि एक और भाषा सीखूं, शायद इसीलिए आसान होगा क्योंकि जो चाबी उन्होंने मेरे हाथ में दी थी तो वो चाबी अलग अलग भाषाओं के लिए अभी भी काम आएगी. आरपा देब्रेसनी इनका चित्र नहीं है, वे थे जो सबसे पहले हिंदी भाषा पढ़ाने लगे थे. आप शायद देख सकते हैं कि वो भारतीय दूतावास में अनुवादक का काम, अंग्रेजी से अनुवादक का काम करते थे, लेकिन वहाँ काम करते हुए उनकी रुचि पैदा हुई थी हिंदी में. इनके संबंध में यह ज़रूर बताना है कि हिंदी हंगेरियन शब्दकोश इन्होंने पहला हिंदी हंगेरियन शब्दकोश बनाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह आज तक भी अप्रकाशित है. इसलिए क्योंकि उस जमाने में एक बार यहाँ भारत में कोशिश की थी, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थी और असंभव था कि हिंदी और हंगेरियन अक्षर दोनों साथ फिजिकली रखे जाएं. तो अब शायद इनकी बेटी है, इनकी बेटी के पास सब शब्दकोश की सारी सामग्री पड़ी हुई है और हो सकता है कि अभी फिर भी यह प्रकाशित होगा. यह आधुनिक अभी की स्थिति है. देखिए हमारे विभाग में कौन कौन लोग काम करते हैं. आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ पांचों लोग हैं और इनमें से एक भारती है जो ICCR की तरफ से भेजे जाते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर. अभी प्रमोद कुमार शर्मा जी है जो वैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान में के प्रोफेसर हैं. और इनके अलावा दो लोग हैं जो अभी संस्कृत पढ़ाते हैं,
इनमें से एक टैगोर फेलो है, टैगोर फेलोशिप के बारे में मैं बाद में और बताऊंगी, और अतिथि रीडर के रूप में इमरे बोंगा, वही ऑक्सफोर्ड वाला है जिसके बारे में मैंने बताया था। टैगोर फेलोशिप, टैगोर फेलोशिप अभी एक नई बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत सरकार ने यह इस फेलोशिप की स्थापना भी अभी की थी, विशेष रूप से यूरोप में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसे फेलोशिप जिसमें एक युवा हंगेरियन इंडोलॉजिस्ट को नौकरी मिलती है, एक और यह शोध भी कर सकता है और पढ़ा भी सकता है विभाग में, और तीन साल के लिए है, और तीन साल के बाद फिर अप्लाई करके फिर लोग आ सकते हैं काम करने के लिए। अतिथि आचार्य ICCR, इनके नाम आप देख सकते हैं, असगर वजाहत से लेकर शायद आप उमाशंकर उपाध्याय को जानते होंगे जो हैदराबाद में भी रहे थे। हाँ, फ्रॉम पुणे ना, लेकिन उनका कुछ तल्लुक था ना हैदराबाद से कुछ समय तक, तो शायद यहाँ थे, है ना। अच्छा, अब यहाँ से अध्ययन के पाँच वर्ष में पढ़ाई कैसे होती है, लेकिन मैं उस इंतज़ार में हूँ कि आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वही बात होगी कि मैं बताती हूँ, आप सुनते रहते हैं और फिर सारे शब्द हवा में उड़ जाएंगे। उस हिसाब से कि पढ़ाई कैसे चलती है, छात्र कैसे हैं, या पता नहीं जो आप समझते हैं कि पूछने की बात है।